है दोस्तों, मेरा नाम अमन चंद्रा कर है। आज हम बात करने वाले हुंडई वर्ना XS ऑप्शनल की। बात करते हैं 180 bhp एट द रेट ऑफ 6300 rpm पर। बात करते हैं इसके एक्सटीरियर की, तो इसमें हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प विथ टर्न इंडिकेटर देखने को मिलता है। नीचे की तरफ हमें ग्लास क्लैडिंग क्रोम ग्रिल देखने को मिलता है, जो कि इस गाड़ी का लुक को बीटी बना देता है। की बात करें तो नीचे में आपको इंडिकेटेड फॉग लैंप के साथ बॉडी कलर बम्पर भी आपको देखने को मिल जाता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें हमें R15 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील मिलता है। एंड डोर की बात करें तो डोर में आपको एक इलेक्ट्रिकल ORBM मिलता है टर्न इंडिकेटर के साथ। नीचे में आपको डोर कलर डोर हैंडल देखने को मिलते हैं। तो पीछे साइड आपको LED टेल लैंप देखने को मिलता है विद टर्न इंडिकेटर के साथ। इसके बोल्ट लीड को रीडिजाइन किया गया है। ऊपर की बात करें तो ऊपर में आपको डिफॉगर देखने को मिल जाता है। देन नीचे की ओर आपको ट्विन टिप एग्जॉस्ट पोर्ट देखने को मिलता है और ऊपर में आपको एक ब्लैक सार्फिन एंटीना देखने को मिल जाता है, जो गाड़ी के पीछे के लुक को इन्हेंस कर देता है। इंटीरियर की बात करें तो इसके इंटीरियर में आपको ड्यूअल टोन डैशबोर्ड देखने को मिलता है, जो कि कॉम्बिनेशन है ब्लैक और ब्रिज कलर। स्टीयरिंग की बात करें तो इसमें हमें टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिलता है, जिसमें क्रूज कंट्रोल मल्टीपर्पज कंट्रोल दिए गए हैं। इसमें हमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें टैकोमीटर डिजिटल ओडोमीटर इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर साइड टेम्परेचर डिस्प्ले फीचर भी देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके टच स्क्रीन की, तो इसमें हमें 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो GPS नेविगेशन वाइड रिकॉग्निशन फ्रंट एंड रियर स्पीकर के थ्रू ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ब्लू लिंक डिस्टेंस टू एम्प्टी एक्सेट्रा फीचर देखने को मिल जाते हैं। इसमें फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC देखने को मिल जाता है। देन लेदर वेब एयर लीवर और आपको इसमें वायरलेस चार्जर का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये गाड़ी 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। पुश स्टार्ट स्टॉप ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। आपको पावर विंडो के साथ एक स्पेशल फीचर मिलता है, जो कि ऑटो अप डाउन पावर विंडो और ड्राइवर मिल जाता है। की बात करें तो इसमें हमें वेंटिलेटेड सीट मिलते हैं, जिसमें हम ड्राइवर साइड का सीट को इलेक्ट्रिकली उसके हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। पीछे की सीट की बात करें तो पीछे की सीट भी आपको वेंटिलेटेड सीट मिलते हैं। उसमें बीच में आपको रियर आर्मरेस्ट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कप होल्डर या ग्लास होल्डर दिया जाता है। एंड पीछे की साइड में आपको रियर AC भी देखने को मिल जाता है। अब बात करें इसके बूट स्पेस की, तो इसमें आपकी बात करें तो इसमें आपको 465 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रिकली सनरूफ देखने को भी मिलता है। इसकी सेफ्टी फीचर की बात करें तो इसमें आपको एयरबैग EBD ABS हिल असिस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल इंजन इमोलाइजर सेंट्रल लॉकिंग चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक ISO FIX फिक्स रियर डिफॉगर विथ ट्रिमर स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक सेफ्टी फीचर देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।